ग्रो योर ड्रीम। भाई आपके पास कितना गर्लफ्रेंड है? आप दानिश भाई से कभी मिले हो? आपको दानिश भाई के ऐसे ही क्यों बनना है? भाई आप शादी कब करने वाले हो? आपका नंबर दे दो भाई, आपका बिग फैन हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं, इसलिए मैंने एक नया नंबर लिया हूँ। यहाँ पर कुछ नंबर दिया। Alright, so hey guys, what's up everybody? It's your audience and back into the game with a new video, way. तो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया कि ये वाला वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। गाइस इस वीडियो में आप लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, यानी आप लोग मेरा मोबाइल नंबर भी जान जाओगे इस वीडियो में। तो गाइस आप लोगों को पता चल गया कि ये वाला वीडियो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ताकि आप लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। सो मैंने इसलिए मेरा इंस्टाग्राम एक दिन पहले एक स्टोरी लगाया था। सो आप लोग देख सकते हो स्टोरी का व्यू आया था 10,000 से ज्यादा, और उसमें मैंने क्या क्वेश्चन किया आप लोगों से देख लो। Alright, so hey guys, what's up? तो गाइस मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर एक क्यू एन ए और वीडियो लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे फैमिली भी हैं अभी नहीं जानते कि मैं कहाँ से हूँ, मैं दानिश भाई को कितना दिन से फॉलो कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे ऊपर। सो यहाँ पर क्वेश्चन का कुछ दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर जाके मेरे बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं एक एक करके हर किसी को रिप्लाई दूंगा। सो आप लोगों ने देखा ही होगा मैं मेरे इंस्टाग्राम में क्या स्टोरी लगाया था, और वहाँ पर मैं आप लोगों से बोला था कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर एक क्यू एन ए के ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि आप लोग मेरे बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, और आप लोग मेरे बारे में बहुत बकवास बकवास क्वेश्चन कर दिया। सो क्या करो, फैमिली आर्मी ने मेरे ऊपर जो क्वेश्चन किया उसके आंसर तो देना ही पड़ेगा, और मैं इस वीडियो में सब सच बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन ईश्वर सत्यनारायण के नाम से आया है। भाई जिम डेली ज्वाइन करते हो क्या आप दानिश भाई की तरह? हाँ भाई, मैं रेगुलर जिम जाता हूँ। मैं किसी भी छोटा छोटा काम की वजह से मैं मेरा जिम को ऑफ नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं मेरा जिम को ऑफ नहीं करता। संडे को मेरा जिम क्लोज रहता है, लेकिन मैं फिर भी मैं घर में वर्कआउट कर लेता हूँ सुबह उठते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानिश जेड आई एच ई एन एन के नाम से आप दानिश भाई से कभी मिले हो? तो गाइज मैंने देखा कि ऐसा 3-4 क्वेश्चन आया कि आप दानिश भाई से कभी मिले हो। गाइज हर किसी का ड्रीम होता है अपने आइडल से मिलना, मेरा भी ड्रीम था मतलब दानिश भाई से मिलने का, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सो मेरा ये सपना सब नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूपम के नाम से, आप क्या काम करते हो सर? मैं सुबह उठते ही चला जाता हूँ जिम, जिम से घर रहते ही मैं बाहर कहीं ना कहीं चला जाता हूँ फोटो वीडियो शूट करने के लिए। तो फोटो वीडियो शूट करने के बाद मैं जब भी घर आता हूँ तो मैं एडिटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। एडिटिंग करते करते पूरा रात चला जाता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जो काम करता हूँ ये बहुत ज़्यादा आसान है, उतना आसान नहीं आप लोग जितना समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसिफ के नाम से, ब्रो तुम्हारा फर्स्ट हेयर कलर कौन सा था प्लीज बता दो। तो भाई यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट हेयर कलर था। गाइस मैंने 2018 में फर्स्ट हेयर कलर किया था, आज ही मेरे को पता नहीं इस कलर का नाम क्या है, और आज का कलर कैसा लग रहा है आप लोग देख सकते हो। आज का कलर मुझे सबसे ज्यादा बॉम्ब लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज एक कमेंट कर देना। आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से हो? तो गाइस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए आज के, मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ पर रहता हूँ, बहुत सारे लोग एक चीज जानना चाहते हैं। तो गाइस मैं कलकत्ता से हूँ, कलकत्ता गड़िया से हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं भाई आपसे मिलना है, आपसे मिलने के लिए कहाँ पर आना होगा। तो गाइस मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल में 1,00,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने के बाद मैं खुद आप लोगों से मिल लूंगा, मतलब कलकत्ता में एक मीटअप रखूंगा, वहाँ पर ही मैं आप सबसे मिलूंगा। कि आप दानिश भाई के बड़े भाई से कभी मिले हो? गाइस रियल दानिश जैन का जो नाम जो आईडी है इंस्टाग्राम में, तो वो जो आईडी है वो उसका बड़ा भाई गुबरन भाई ने चला रहा है, तो उनसे मेरा बात हुआ था। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन शॉट देख सकते हो, वो मेरे को बोला कि तुम जो जो वीडियो बना रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और मैं बोला था कि मैं तुमसे मिलूंगा, तो हाँ बोल दिया, तो मैं बहुत जल्दी मिलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने इंस्टाग्राम पर कब से वीडियो बनाते हो? गाइस मैं 2019 से इंस्टाग्राम में वीडियो बना रहा हूँ। गाइस मैं तब वीडियो बनाता था तो तब रील्स का कोई जगह नहीं था, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियोस को लेकर अपने वीडियोस में पोस्ट कर देता इंस्टाग्राम में वीडियोस की जगह। हिमो ब्लैक हार्ट के नाम से क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम से आपको कितना पैसा मिलते हैं? भाई मैं सच बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम से मेरे को कभी पैसा नहीं मिला। गाइस मुझे अभी पता ही नहीं चल रहा है कि इंस्टाग्राम से पैसे मिलते हैं क्या नहीं। मैं मतलब जो इंस्टाग्राम में जो प्रमोशन का जो वीडियो होता है, मतलब जो कुछ भी ब्रांड मेरे को कुछ प्रमोट करने के लिए बोलते हैं, तो मैं किसी का प्रमोट करते हो तब भी मेरे को पैसा मिलता है। मैं कभी वेडिंग ऐप का भी प्रमोशन किया हूँ तो वहाँ पर ही पैसा मिलता है, तो ऐसा भी मिलता है, लेकिन इंस्टाग्राम से कभी पैसा नहीं मिला। भाई आपका मंथली इनकम कितना है? भाई
भाई मेरा मंथली इनकम क्या है मैं ये बता नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी बता सकता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम में जो जितना भी प्रमोशन का वीडियो करता हूँ तो मंथली में 1-2-300 वैसे मेरा चल जाता है। भाई अब दानिश जैन को कितना दिन से फॉलो कर रहे हो? भाई मैंने 2008 से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ और मैंने पहली बार उनको टिकटॉक में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई आपका कितना गर्लफ्रेंड है? भाई मैं इस वीडियो के अंदर सच बता रहा हूँ, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ और मैं सिंगल बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपका टिकटॉक आईडी है? हाँ भाई मेरा टिकटॉक आईडी था आर्यन जैन नाम का, पता नहीं आज अभी है क्या नहीं, मतलब पहले जब टिकटॉक इंडिया में टिकटॉक था तब मेरा टिकटॉक आईडी था आर्यन जैन नाम का, आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हो। जब मेरा टिकटॉक था तब मेरा टिकटॉक में 42K प्लस फॉलोअर्स था। इट जैन का नाम से क्वेश्चन है कि भाई आप दानिश जैन का ऐसा ड्रेस किधर से लेते हो? भाई मैं दानिश जैन का ऐसा ड्रेस किसी एक प्रॉपर जगह से नहीं लेता हूँ, क्योंकि मतलब हर एक साइड में हर एक चीज़ मिल जाएगा ऐसा तो नहीं होता ना, तो हर साइड में ढूंढना पड़ता है। मतलब एक साइड में समझो पैन ले रहा हो और इस साइड से हुडीज ले रहा हो और इस साइड से टी शर्ट ले रहा हो, सो ऐसे ही मैं लेता हूँ। सो इसके ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है, प्लीज़ आप लोग जाके अभी चेक कर लेना। अब क्वेश्चन है जेड एच एन एन एस के नाम से, भाई आप शादी कब करने वाले हो? तो तुम लोग क्या जाते हो, मतलब मैं शादी करके घर में सो जाऊँ? नहीं जाते हो ना, तो इसलिए मैं सलमान खान के ऐसे ही ठीक हूँ। जैन भाई का नाम से क्वेश्चन है कि प्रो योर ड्रीम, तो जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं उसे तो पता है कि मेरा ड्रीम क्या है, और जिसे नहीं पता मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा ड्रीम है दानिश भाई कैसा बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सभी अलम के नाम से, भाई आप कितना साल से जिम कर रहे हो? भाई मैं सच बता रहा हूँ मैं लास्ट 2 साल से जिम कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले जो करता था वो एकदम ठीक से नहीं, और अभी लास्ट 4 महीना मैं जो कर रहा हूँ एकदम प्रॉपर डाइट और एकदम प्रॉपर रूटीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई आपका एक्सीडेंट हो गया था कैसे? भाई मैं दीघा घूमने के लिए जा रहा था, मतलब घूमने के लिए जा रहा था एक गलत बात है, मैं वहाँ पर फोटो वीडियो शूट करने के लिए जा रहा था रात 2 बजे, मेरे साथ मेरा 3 दोस्त था, रास्ता पूरा अंधेरा था तो सामने अचानक बम्पर आ गया, तो मेरा जो फ्रेंड था वो ब्रेक मार दिया था, उसके पीछे मैं भी था, तो मैं उस टाइम मैं भी ब्रेक मार दिया था, तो बाइक का ABS फेल हो गया और वहीं पर गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको दानिश भाई ऐसे ही क्यों बनना है? भाई वो जो गरीबों का मदद करता था सबसे पहले, मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसका जो ड्रेसिंग सेंस मतलब आउटफिट जो पहनता था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। हेयर कलर मतलब इंडिया में पहली बार जो मतलब हर एक टाइप के हेयर कलर लाया था, इसके लिए भी उसका जो बॉडी उसका जो फिटनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सो इसलिए मुझे उसके ऐसे ही बनना है। आपका नंबर दे दो भाई, आपका नंबर दे दो बिग फैन, सो बहुत सारे लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं, सो मैं इसलिए मैं एक नया सिम लिया हूँ, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है मेरा, सो यहाँ पर आप लोगों का मेरे से कोई अर्जेंट काम है तो आप लोग मेरे को कॉल करना, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। सो आज का वीडियो में फैम्बो आर्मी ने मेरे बारे में तो बहुत कुछ जान गया, सो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज एक कमेंट कर देना, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, अगर तुम लोगों ने अभी तक फैम्बो आर्मी ज्वाइन नहीं किया तो जाओ जाके ज्वाइन करो, तुम लोग अभी तक कर क्या रहे हो डूड, सो वही जो वो सब फैम्बो।